हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगी डाइवा जो कि एक इंडियन कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च नए टीवी के बारे में। जी दोस्तों, डाइवा ने आज एक नया 50 इंच का 4K UHD टीवी लॉन्च कर दिया है जो कि एक फ्रेमलेस टीवी है। बात करें डाइवा द्वारा लॉन्च टीवी के मॉडल की तो उसका मॉडल है D50162FL। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसका रिजोल्यूशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया 4K UHD रिजोल्यूशन है, मतलब 3840x2160 पिक्सल का आपको इसमें रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका डिस्प्ले क्वांटम ल्यूमिनिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिसमें कि आपको 1.07 बिलियन कलर का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस टीवी में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये टीवी डाइवा ने फ्रेमलेस टीवी के कह के मार्केटिंग कर रही है, मतलब ये टीवी जो है बेजल लेस के साथ आता है, इसमें बहुत ही पतला बेजल है और इसलिए इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 96% का है, मतलब स्क्रीन 96% है और बॉडी जो है केवल 4% है, इसलिए इसको फ्रेमलेस टीवी कहा जा रहा है। बात करें अगर इसके व्यू एंगल की तो इस टीवी में आपको 178 डिग्री का व्यू एंगल मिल जाता है, मतलब आप टीवी अपने घर में लगाएंगे और किसी रूम में लगाएंगे तो रूम में कहीं पे भी बैठेंगे तो आपको इसका स्क्रीन को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप स्क्रीन के बिल्कुल इस साइड बैठे या बिल्कुल इस साइड बैठे, कहीं पे भी बैठे, आपको 178 डिग्री व्यूइंग एंगल होने के कारण इसके डिस्प्ले का जो क्वालिटी है ये अच्छा दिखेगा। अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इस टीवी के साथ आने वाले साउंड की। तो इसके साउंड के लिए, साउंड के अच्छे रिप्रोडक्शन के लिए इस टीवी में 20 वाट का बॉक्स स्पीकर दे दिया गया है जो कि DBX TV ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही साथ दोस्तों इस टीवी में 5 साउंड मोड दे दिए गए हैं जिस जो कि अलग अलग साउंड मोड है, अलग अलग मूड के हिसाब से आप साउंड मोड को सिलेक्ट करके इस टीवी के साउंड को सेट कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये इस टीवी में आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और दोस्तों खास बात यह है इसके साउंड का कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के दरमियान बीच में एडवर्टीजमेंट आता है तो होता यह है कि एडवर्टीजमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम एकाएक बढ़ जाता है तो आप इरिटेट फील करते उस समय। तो इस टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करता है कि जैसे ही एकाएक वॉल्यूम बहुत बढ़ गया तो उस वॉल्यूम को रिड्यूस करके एक लेवल पे ले आता है, मतलब कह सकते हैं कि इसमें ऑटो वॉल्यूम लेवलर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे दिया गया है जिससे कि साउंड जो है एक लेवल का बना रहता है और आपको अच्छा साउंड रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिल जाता है लगातार बेसिस पे। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें पिक्चर मोड की तो इसमें बहुत सारे पिक्चर मोड दे दिए गए हैं जिसमें कि आपको सिनेमा मोड और क्रिकेट मोड खास रूप से पिक्चर मोड के अंदर देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप अलग अलग मूड के हिसाब से पिक्चर मोड को सेलेक्ट करके आप इसके पिक्चर को सेट कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन में इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो बात करें अगर इसके सॉफ्टवेयर की तो ये एंड्रॉइड 9 पे काम करता है, एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, मतलब ये टीवी भी एंड्रॉइड टीवी ही है। और बात करें इसके साथ आने वाले रैम की तो इसमें आपको 2 GB का रैम देखने को मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें 16 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों डाइवा का अपना इसमें यूजर इंटरफेस भी दे दिया गया है जो कि है द बिग वॉल यूजर इंटरफेस। और UI जो है, यूजर इंटरफेस जो है डाइवा का, इसमें अपना इनबिल्ट सर्च इंजन दे दिया गया है जिसमें आप इस टीवी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको सर्च कर पाते हैं डाइवा के UI के मदद से। साथ ही साथ दोस्तों इस टीवी में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पहले से ही इनबिल्ट दे दिया गया है जिसमें कि जैसे कि Zee5 हुआ, सोनी लिव हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हुआ, Amazon प्राइम वीडियो हो, इस तरीके के बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पहले से ही इसमें दे दिए गए हैं जिससे कि आपको इन सारे एप्स को एक्सेस करने में आसानी होती है। साथ ही साथ दोस्तों
इसमें वॉइस कमांड का भी सपोर्ट दे दिया गया है, जिससे कि आप हैंड फ्री एक्सपीरियंस इस टीवी का कर पाएंगे। मतलब आप वॉइस कमांड दे के भी आप कोई भी कंटेंट को इस टीवी में सर्च कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही अब बात कर लेते हैं अगर इसके प्रोसेसर की, तो इसमें A55 क्वाड कोर प्रोसेसर भी दे दिया गया है, जिससे कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब हम लोग चलते चलते आ गया है इस टीवी के आखिरी सेक्शन में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इस टीवी के प्राइस और इसके वारंटी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर प्राइस की, तो इस टीवी का प्राइस डाइवा ने रखा है 39,999 रुपए। मतलब डाइवा के इस 50 इंच के स्मार्ट यूएचडी टीवी का प्राइस है 39,999 रुपए। वहीं बात करें अगर इस टीवी के वारंटी की, तो इस टीवी का वारंटी आपको 1 साल का मिल जाता है। और अगर आप इस टीवी को माई डाइवा ऐप पे जाके अगर रजिस्टर करेंगे, तो आपको इसके डिस्प्ले पे 1 साल का अतिरिक्त वारंटी मिल जाता है। मतलब 1 साल का वारंटी तो टीवी के साथ मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको अगर माई डाइवा ऐप पे रजिस्टर करते हैं तो 1 साल का अतिरिक्त डिस्प्ले पे मिल जाता है। मतलब डिस्प्ले पे आपको टोटल 2 साल का वारंटी इस टीवी में देखने को मिल जाता है। अब आप पूछेंगे इसकी उपलब्धता की ये टीवी कहाँ मिलेगा, तो इस टीवी को आप डाइवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे खरीद सकते हैं, या बहुत सारे लीडिंग जो रिटेल स्टोर है उस पे भी जाके आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। मतलब ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ये टीवी इजीली अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ डाइवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था डाइवा द्वारा लॉन्च नए टीवी डाइवा 50 इंच 4K UHD स्मार्ट टीवी विथ फ्रेमलेस डिस्प्ले के साथ जो लॉन्च किया गया है, उसकी पूरी जानकारी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे, ताकि सारे दोस्तों भी इस टीवी के बारे में अच्छे तरीके से जान सके। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे बेझिझक लिख डाले। और जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने इस चैनल को जरूर से जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार बेसिस में देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।